महादेव की नगरी बनारस एजुकेशन में स्वागत है। आज देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपी पुलिस का जो है प्रैक्टिस नंबर 2 कराएंगे। क्वेश्चन जो है जनरल साइंस रहेगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ओके चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद जो है उसका वेग बताइए। एक बात बताइए दोस्तों, ए बराबर होता है बी बाई टी। आपका जो है ए का मान दिया है 9.8 और टी का मान हो इधर आ जाएगा तो मल्टीपल 3, 3 का मल्टीपल कर दीजिए 3 × 27, 3 × 9 3 × 27, यानी कि यही आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का द्रव्यमान 100 की ग्रह है जो है इतना दिया है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जो है g/6 है तो चंद्रमा से वस्तु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये देखिए किसी पर निर्भर नहीं करता, ये द्रव्यमान जो है जितना रहेगा उतना ही रहेगा, यानी 100 की ग्रह है तो 100 की ग्रह ही रहेगा, नो चेंज होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा पावर यानी शक्ति का एसआई वाट किसके समतुल्य होता है। क्वेश्चन नंबर 170 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह है किग्रा मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यह वही रहेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है। 172 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत एकमात्र कारण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 173 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए पौधों के जड़ों से जल का इसके जो है पर्ण समूह की ओर बढ़ता है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 174 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन साहब ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 175 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऊर्जा देखिए न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का पलायन वेग होता है। पृथ्वी का पलायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पास्कल इकाई है, पास्कल देखिए दोस्तों दाब की इकाई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 किग्रा पर सेंटीमीटर स्क्वायर किसके समतुल्य है, यह है 0.1 bar के समतुल्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्यू से क्या नापता है। क्वेश्चन नंबर 179 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्यू से जो है दोस्तों देखिए जल नापता है, जल का बहाव नापता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी पिंड का भार होता है, किसी पिंड का भार क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 180 का ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ओके अगला क्वेश्चन कह रहा है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 181 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उसका भार घट जाता है। ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मिलान करना है 182 का मिलान करना है विद्युत बल्ब जो है क्या है, यह न्यूटन का है। विद्युत आवेश क्या है, यह है कूलाम का है। विद्युत विभव यह है वोल्ट का है। विद्युत धारिता यह है फैराडे का है, यानी ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों बी मिल जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा एक भूस्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 183 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाला गुरुत्वाकर्षण होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, 184 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या होता है, यह पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह भारहीनता होती है। क्वेश्चन नंबर 186 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण की जो है शून्य स्थिति हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक जो है प्रत्यास होता है। देखिए दोस्तों, स्टील जो है सबसे अधिक प्रत्यास होता है। जो जितना कठोर होगा वो उतना ही अधिक प्रत्यास होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाला गुरुत्वाकर्षण से होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, घड़ी में स्प्रिंग में भंडारित होता है। घड़ी में देखिए दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा जो है कन्वर्ट होता है। ओके, इस क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा में अंतरिक्ष में भारहीनता की अनुभूति के कारण क्या होता है। 190 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सॉरी, कह रहा कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है। देखिए ये दोस्तों बी हो जाएगा। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है त्वरण के बराबर होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है, डोरी से बांधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है। घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है, इसका कारण क्या है। पत्थर जो है स्पर्श रेखा का उड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 191 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 192 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है, इसकी वजह से होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घोड़े मंच पर अपनी कोड़ी क्या होता है, अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 194 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह घोल के पृष्ठीय तनन को कम करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, न्यूटन मीटर मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 195 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये है ऊर्जा का होता है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, डायनमो कैसे परिवर्तित करता है। 196 का ऑप्शन नंबर बी। देखिए डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। अगला कह रहा है, दूध से क्रीम निकालने वाला क्या कहलाता है। यह दूध का घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। जब दूध से क्रीम निकालते हैं ना तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 198 का देखिए, किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है। ये बिल्कुल सही है। किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर चंद्रमा पर और रिक्त स्थान में समान होता है। ये भी सही है। किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति उस पर लगाने वाले गुरुत्व बल के प्रति संतुलित होने पर होती है। ये भी सही है। पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान नहीं। देखिए द्रव्यमान दोस्तों समान कभी नहीं होता। द्रव्यमान जो होता है वही रहेगा, लेकिन भार हमेशा बदलता रहता है। ओके दोस्तों, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा जो है उसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है। अगला कह रहा है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 200 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ परमाणु का प्लान वेग उसके वर्ग माध्य मूल से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 200 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी का मान सर्वाधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 201 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अंटार्कटिका के कैंप में सबसे ज़्यादा होगा जी का मान। कह रहा है, अगला क्वेश्चन, द्रवचालित ब्रेक किसके नियम पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 202 का ऑप्शन नंबर ए है, पास्कल नियम पर आधारित होता है। ओके दोस्तों, अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी जो है इकाई न्यूटन मीटर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 203 का ऑप्शन नंबर जो है कौन सा हो जाएगा, गतिज ऊर्जा होता है, कार्य होता है, ऊर्जा होता है, बल नहीं होता, बल का मात्रक न्यूटन होता है। अगला कह रहा है, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, ऐसा क्यों करता है। क्वेश्चन नंबर 204 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसका ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भिन्न भिन्न
द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक जो है साथ गिराया जाता है तो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 205 का ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, यह दोनों पत्थरों जमीन पर एक साथ पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कोणीय संवेग इसके बराबर होता है, क्वेश्चन नंबर 206 का ऑप्शन नंबर ए सही है, जड़त आघूर्ण गुणे कोणीय वेग होता है। अगला कह रहा है बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रतिकलन करता है, क्वेश्चन नंबर 207 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यह ऊर्जा का प्रतिकलन करता है। अगला कह रहा है लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है, क्वेश्चन नंबर 208 का ऑप्शन नंबर बी सही है, यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल होता है, क्वेश्चन नंबर 209 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केसी जो है केसिकी अभिक्रिया परिघटना से होता है। अगला कह रहा है किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है, क्वेश्चन नंबर 210 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र पर होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुओं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है, क्वेश्चन नंबर 211 का ऑप्शन नंबर डी सही है, ब्रह्मगुप्त ने बताया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी, क्वेश्चन नंबर 212 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यह सुस्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है, क्वेश्चन नंबर 213 का ऑप्शन नंबर डी सही है, यह सुई गुब्बारों पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है, क्वेश्चन नंबर 214 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो उस जो है सिचुएशन में जो है जी का मान क्या होता है, लगभग जीरो के बराबर हो जाता है। अगला क्वेश्चन करा है क्रिकेट की गेंद को किस कोर्ट से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक तय करेगा, देखिए क्रिकेट की गेंद को जो है 45 डिग्री तक जो है मारेंगे ना तो वो अधिकतम दूरी जो है तय करता है। ओके देखिए यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट शुरू किया हूँ, आपको बता रहा हूँ साइंस का हर चैप्टर वाइज मैं लाऊंगा ताकि आपका जो है पूरा एकदम कंप्लीट हो जाए, एक भी क्वेश्चन न छूटे। अगर जो भी पहली बार आए तो ज़रूर जो है एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग देख रहे हैं और मेरा सपोर्ट करिएगा। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।